यौन शोषण का शिकार हुई महिला आईपीएस। आपको सुनने पर अजीब लगता होगा कि महिला आईपीएस भी यौन शोषण का शिकार हो सकती है, यदि हाँ तो ऐसा करने वाला कौन है। आपको विश्वास नहीं होगा कि महिला आईपीएस भी हो सकती है यौन शोषण का शिकार। आईपीएस का नाम आते ही आपके जेहन में खाकी वर्दी के उच्चतम अधिकारी की तस्वीर उभर कर सामने आ जाती है, जिसके आगे पीछे लंबी फोर्स होती है, सैकड़ों की संख्या में आरक्षी, प्रधान आरक्षी, उप निरीक्षक, इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी इत्यादि। पूरे जनपद का थाना उसके अंडर में होता है, पुलिस लाइन होती है, कोतवाली होता है, एसपी के अंडर में भारी भरकम पीएससी और यह सब भी फोर्स होती है। एक इशारे पर कुछ भी करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। महिला आईपीएस का यौन उत्पीड़न कौन कर सकता है, कौन है वह? वह खाकी वर्दी वाला है, सफ़ेद पोश धारी है अथवा कोई अपराधी है। यदि महिला पुलिस अधिकारी की इज्जत सुरक्षित नहीं है तो सामान्य से छोटे कर्मचारी और आम जनता का क्या होगा? दोस्तों, सहज रूप से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अभी तक मामला प्रचलन में है महिला पहलवानों का, जिसे लेकर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा हो रही है, भारत की किरकिरी हो रही है और लोग जानना चाहते हैं कि वास्तविकता क्या है। और यह वाकया केवल भारत के कुछ हिस्सों में ही नहीं है बल्कि विदेशों में भी महिला पहलवानों के साथ छेड़खानी और यौन उत्पीड़न की घटनाएं की गई हैं, जहां जहां वह ओलंपिक और अन्य खेलों में गई थी कुश्ती करने। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया है, आगे क्या होगा हम इसे अगले वीडियो में बताएंगे। किंतु आरोपी खुलेआम घूम रहा है, वह ऊल जुलूल बयान भी दे रहा है। सरकार कटघरे में है, विपक्ष खामोश है, उसके कंठ से कोई शब्द फूट नहीं रहे हैं, कारण कि आरोपी के पास बड़ा वोट बैंक है, पैसा भी है और वह बाहुबली भी है। हुजूर और उसके सिपह सालार गण को जैसे सांप सूंघ गया है और वह मौनी बाबा बने हुए हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। दोस्तों, आपको उत्सुकता होगी इसलिए हम बात करते हैं सीधे सीधे महिला आईपीएस के उत्पीड़न के बारे में। किसने किया ऐसा, कौन है और कार्यवाही क्या हुई? दोस्तों, महिला आईपीएस के साथ अश्लील हरकत करने वाला आरोपी कोई और नहीं बल्कि एक भारतीय पुलिस सेवा का ही डीजीपी स्तर का अधिकारी है, यानी आईपीएस ही है उसका बड़ा वहदा था, जिसने ड्यूटी के दौरान अशोभनीय हरकत किया, जिसे लेकर महिला आईपीएस ने आवाज उठाया और उसे किस किस प्रकार विभिन्न विभिन्न स्टेज पर संघर्ष करना पड़ा है, इस वीडियो में हम उसे भी बताएंगे। लेकिन कानून के हाथ सच में बड़े लंबे होते हैं और वह आरोपी को दबोचता है। दोस्तों, हम बात करते हैं 1989 बैच के आईपीएस अफसर राजेश दास की, जिन्हें कोर्ट ने 3 साल के सश्रम कारावास की सजा दिया है, यानी जेल में वे कैदियों की वर्दी पहनेंगे, मेहनत करके खाएंगे, पसीना बहाएंगे, सामान्य कैदियों से उन्हें अलग रखा जाएगा और आरोपी आईपीएस को 25 से 40 रुपया रोज मिलेंगे काम के एवज में। चूंकि राजेश दास डीजीपी स्तर के अधिकारी हैं, इसलिए वह अकुशल श्रमिक की श्रेणी में नहीं आते, कुशल श्रमिक हैं, क्योंकि वह लिखना पढ़ना सब कुछ जानते हैं। उन्हें लिखने पढ़ने का काम भी दिया जाएगा, संभवतः काम का पारिश्रमिक मिलेगा, लेकिन मनचाहा कपड़ा वह नहीं पहन सकते और मनचाही बैरक में भी वे नहीं रह सकते, यानी सश्रम कारावास, श्रम के साथ कारावास। अब बताते चले यह मामला कब का है और कोर्ट में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। फरवरी 2021 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानी सामी की सुरक्षा में ड्यूटी के लिए सेंट्रल के विभिन्न जनपदों में आईपीएस, महिला आईपीएस की ड्यूटी लगाई गई थी, जब मुख्यमंत्री जी जिलों का दौरा कर रहे थे। उस समय आईपीएस राजेश दास कानून व्यवस्था के पुलिस महानिदेशक थे। मुख्यमंत्री के दौरे के समय महिला आईपीएस अफसर की भी ड्यूटी उनके साथ ही लगाई गई थी। उसी दौरान उन्होंने मर्यादा की हदें पार कर दिया और महिला आईपीएस अधिकारी को अपने पद का भय और धौंस दिखाते हुए उनके साथ अश्लील वातावरण सृजित करने का प्रयास किया। बड़े अधिकारी हैं तो छोटे कर्मचारी नहीं बोलते हैं,
और बहुत से लोगों का लाखों मामले में सील भंग हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, जैसा कि महिला पहलवानों के साथ। महिला आईपीएस अफसर ने इसके खिलाफ जब आवाज़ उठाई और केस दर्ज कराने का प्रयास किया, तो उस समय चेंगलपट्टू के पुलिस अधीक्षक डी कंडन ने महिला आईपीएस की शिकायत को रोका, दबाया और उन्हें परेशान किया। इस मामले में डी कंडन को भी कोर्ट ने आड़े हाथों लेते हुए उनके ऊपर भी कार्रवाई किया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दोस्तों, फरवरी 2001 में मुख्यमंत्री पिलानी सामी की सुरक्षा में ड्यूटी लगी थी महिला आईपीएस और राजेश दास की यौन उत्पीड़न के लिए अपने पद और गरिमा का दुरुपयोग किया। महिला आईपीएस ने इसके खिलाफ जब केस दर्ज कराया तो राजेश दास ने केस दर्ज हुआ तो राजेश दास जाते हैं मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हैं और कहते हैं कि यह केस भ्रामक है, मनगढ़ंत है और हमारी गरिमा को धूमिल करते हुए ऐसा किया गया है, हुजूर यह इसे ख़त्म किया जाए। मद्रास उच्च न्यायालय ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और राजेश दास की चुनौती को आलोचना और कड़ी फटकार के साथ खारिज कर दिया। यही नहीं किया, मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि जब महिला आईपीएस के साथ यह स्थिति है, उसकी आबरू सुरक्षित नहीं है, उसके सम्मान पर इस प्रकार कुठाराघात किया जा रहा है, तो महिला आरक्षी, प्रधान आरक्षी, उपनिरीक्षक, इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी, अन्य के साथ क्या होता होगा, इसका अंदाज़ा सहज रूप में इस केस को देखते हुए लगाया जा सकता है। कड़ी फटकार लगाने के साथ राजेश दास की याचिका को खारिज कर दिया। राजेश दास इतने पर ही नहीं रुकते हैं, उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी सुनवाई करने के उपरांत मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर कोई खास हस्तक्षेप नहीं किया, कुछ टिप्पणियों को हटाते हुए इस मामले को खारिज कर दिया। मामला मद्रास न्यायालय उच्च न्यायालय का बरकरार रहा। 2021 के बाद बिल्लूपुरम कोर्ट ने गवाहों के बयान और पूरी सुनवाई करने के बाद जो फैसला दिया वह इस प्रकार है। पुलिस महानिदेशक राजेश दास के ऊपर लगाए गए आरोप पुष्ट हैं। गवाहों के बयान और अन्य सभी सबूत देखने, उसके परिशीलन और विवेचक के अनुसंधान इत्यादि का संज्ञान लेते हुए आईपीएस राजेश दास को 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी जाती है। कोर्ट ने पीड़िता की शिकायत को रोकने, केस दर्ज करने में हीला हवाली करने के लिए तत्काल एसपी डी कन्नन, जिसका उल्लेख मैंने पूर्व में किया है वीडियो के शुरुआत में, उनके ऊपर भी जुर्माना लगाया। अब डी कन्नन जो आईपीएस अफसर हैं, हाफते हुए कहते हैं, हुजूर हमारा कसूर क्या था, हम तो उच्चाधिकारियों के आदेश का पालन कर रहे थे, हुजूर जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हमने किया। कोर्ट ने खड़ी पटखार लगाते हुए उनके ऊपर भी जुर्माना किया। राजेश दास के ऊपर जो अपराध दर्ज है उसका मद्रास उच्च न्यायालय ने वहाँ तक गया, उन्हें मुंह की खानी पड़ी, सर्वोच्च न्यायालय में भी वह मुंह की खाए। अब 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं जुर्माने की सजा को एक बार फिर से वर्दी के बारे में लोगों को सोचने के लिए विवश कर दिया है और यह अनैतिकता के धब्बे इस फैसले के बाद भी वर्दी पर दिख रहे हैं। पुलिस महकमे के ऊपर एक बार फिर से बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। भला हो न्यायालय का जिसने कम समय में ही मामले का संज्ञान धारण करते हुए कड़ा फैसला आरोपी के विरुद्ध पारित किया है। आरोपी को इस मामले में जमानत मिलती है और यदि जमानत नहीं मिलती है तो उनका गिरेबान पकड़ करके यही पुलिस ले जाएगी, जेल में ठूस देगी और यह कड़ी सजा के पात्र होंगे। और ऐसे जैसे मैं पहना, अलग से उनकी वर्दी होती है तो उस वर्दी में यह रहेंगे, सफ़ेद और काले ढंग की धारी वाला पोशाक पहनते हैं, जैसा कि कैदियों का आपने देखा होगा वह पहनते हैं। इनकी अलग बैरिक होगी और यह उठेंगे, काम करेंगे, बिना काम किए हुए इनको न तो भोजन मिलेगा और इन्हें 25 से 40 रुपए रोज पारिश्रमिक दिए जाएंगे, जैसे कि अन्य सजायाफ्ता कैदियों को दिया जाता है। जैसे सिद्धू भी लेकर के आए हैं, सिद्धू एक बड़ा नाम है, नवजोत सिंह सिद्धू, ये अभी 1 साल तक काम किए हैं, पहले 25 रुपया मिला,
बाद में यह कुशल श्रमिक हो गए, लिखना पढ़ना इनको आ गया, इसलिए लिखते पढ़ते थे और इनको भी पैसे मिले हैं। कितना पैसा इनको मिला यह भी मैं जोड़ घटा करके सब बता दूंगा। सारी चीज़ें ऑनलाइन है, आप देख भी सकते हैं, कोई नई चीज़ हम थोड़े ही बता रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री हुए हैं और सब बता रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इन्हें सजा होगी और 3 वर्ष का सश्रम कारावास यह काट करके आएंगे। महिला उत्पीड़न की घटनाओं में कई आईपीएस फंसे हैं, आईएएस भी फंसे हैं और उनकी किस प्रकार किरकिरी हुई है, कोर्ट ने क्या किया है, शासन ने क्या किया है, इस मामले में राजेश दास के मामले में इन्हें शासन ने निलंबित किया है और इन्हें कोई पद इस प्रकार का नहीं दिया गया है। दोस्तों, यह रहा महिला आईपीएस के उत्पीड़न की सच्ची घटना, जिसे आप नेट पर भी देख सकते हैं। और यह इस प्रकार का आदेश जो 2021 फरवरी में दर्ज हुआ था और खटखट खटखट बहुत समय नहीं लगा है, जैसा कि मैंने बताया लगभग 63 या 66 गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं, जैसा कि आपने देखा और कोर्ट ने फैसला दिया। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, YouTube चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से विनम्र भाव से सभी आत्मीय दोस्तों को, जो हमें देखते हैं, नहीं देखते हैं, जो हमें अच्छा कहते हैं, बुरा कहते हैं, सबके लिए सादर नमस्कार।